नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में कैसे करें शुरुआत 2021 में। 2021 में स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, कहां जाएं, किस चीज को देखें, क्या करें, तो इस वीडियो में मैं आपको वो संपूर्ण चीज बताऊंगा कि आप एक बिगनर हैं और आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या चीज है तो, और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसा बाजार जहां पे आप किसी कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं, मतलब उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। उसके हिस्सेदार बनने का मतलब कुछ प्राइस उस कंपनी का जिसमें वो आपको उसके बदले शेयर देती है, हिस्सेदारी बेचती है और आप उसके बदले उस कंपनी में उस कंपनी के जो स्टॉक की एक शेयर की वैल्यू है उसको उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक ऐसा बाजार, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी के स्टॉक का जो शेयर की एक वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपके भी इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट की वैल्यू प्रति शेयर पर शेयर इंक्रीज होती जाएगी। अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी अच्छा नहीं करेगी, रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आएंगे, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन आती जाएगी। तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट काफी सुपर डुपर भी साबित हो सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट काफी आपको डुबा भी सकता है। डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट किस चीज पे किया हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, यह है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक का एक स्टॉक 2018 में 360-370 रुपए के प्राइस पे ट्रेड होता था अपने इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस में और निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक में होता था। मैं बताऊंगा आपको निफ्टी 50 क्या चीज है। और आज की डेट में ये स्टॉक 13 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो रिस्क एक स्टॉक मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा बना रहता है। आपको यही एक रीजन है हम लोग इंडियंस अभी तक आप देखेंगे अपनी पॉपुलेशन का, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, 2% ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ लास्ट 70 ईयर ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव जॉइंड द स्टॉक मार्केट अभी तक। कारण रिस्क, कारण आप इन्वेस्टमेंट करने की जो वॉलेटिलिटी है, ऊपर जाना नीचे जाना, डायरेक्ट आप और लोगों की नॉलेज कम हो, जबकि यही परसेंटेज यूएस मार्केट के अंदर 50% से ऊपर है। सबसे पहला रीजन है रिस्क एपेटाइट, वहां उनके पास पैसा अच्छा है, और नॉलेज होना शेयर मार्केट के बारे में पता होना, ये चीजें उन क्या कहते हैं कंट्रीज के पॉपुलेशन जो वहां पे इन्वेस्ट करती है तभी अपना इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है यूएस मार्केट के इंडेक्स से। अपने मार्केट में स्विंग होते हैं, यूएस मार्केट का एक हाथी की चाल चलती है। तो ये एक आपने उदाहरण देखा कि कैसे आपको एक इन्वेस्टमेंट गलत स्टॉक में किए हुए डुबा सकती है और कैसे एक इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे स्टॉक में किए हुए ऊपर लेके जा सकती है। ये है दोस्तों रिलायंस का स्टॉक जो कि 2000 में लिस्टेड हुआ था अपने इंडियन मार्केट में एनएससी के अंदर, निफ्टी के अंदर। और धीरू भाई अंबानी जी आपको पता होंगे 1980 उससे पहले से काफी इंडियन मार्केट के बेताज बादशाह रहे हैं बिजनेसेस में। आज ये स्टॉक अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है जो कभी क्या कहते हैं 100 रुपए 50-60 रुपए से इसने शुरुआत करी थी और साल दर साल बढ़ते आज इसका करंट प्राइस है 2232। तो जिस इंसान ने इसमें 10 साल पहले भी अगर इन्वेस्ट किया हो, मतलब कि आप कह सकते हैं 2010 में, तो 2010 में इसका प्राइस था 500 रुपीज। तो अगर उसने 1,00,000 रुपए इसमें 2010 में लगाए होते तो आज की डेट में वो 1,00,000 रुपए उसके 4,00,000 रुपए बन गए। तो इस प्रकार से एक शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे अगर आप कैलकुलेट करें, प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रॉपर अच्छे से कंपनी की बैलेंस शीट देखें, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करें, थोड़ा न्यूज देखें, ट्रेंड देखें, तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।
अब आ जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये शख्स। जब 13-14 साल की उम्र में बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, कार्टून देखते हैं, ये इंसान जिसका नाम है वॉरेन बफेट, ये कंपनीज की बैलेंस शीट देखता था। आज इसकी वर्थ, ठीक है, 10,380 करोड़ है USD में, जो आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो खरबों हो। और इस इंसान ने सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कमाया है। इस जब जब शेयर मार्केट की बात होगी आगे, कभी इस इंसान का जिक्र जरूर होगा, वॉरेन बफेट। और इंडिया में जैसे राकेश झुनझुनवाला जी को हम कह देते हैं वॉरेन कहते हैं, बट टोटली पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बन सकता है अगर आप आसपास देख रहे हैं क्या चीज ग्रो हो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप सुबह सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी दिनचर्या होती है, आप क्या चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो आप ब्रश करते हैं। आप देखिए, आप कोलगेट ले रहे हैं, पेप्सोडेंट ले रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए यार कोलगेट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो कोलगेट की कंपनीज देखिए, कोलगेट के कंपनी का रिजल्ट देखिए। देन उसके बाद आप नहाने में शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, वो ज्यादातर आपको देखोगे सारी की सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बनी होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस देखिए। फिर आप देखते हैं, आप पूरे दिन से कार में आप बैठे हैं, कार में आप मारुति को देखिए जो लीडिंग है। इस प्रकार से आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो 10 से 15 कंपनी आपको एक दिन में मिल सकती है कि अच्छा एशियन पेंट लगा हुआ है, एशियन पेंट का स्टॉक देखते हैं कैसा है। पर आप बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, ये जस्ट मैंने एक चीज आपको बताई कि आप कंपनीज को कैसे सर्च कर सकते हैं। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आसपास चीजें देखिए, फिर आके इंटरनेट पे देखिए कि ये कंपनी क्या है, यहाँ पेंट किसका है, ये यहाँ पे कार किसकी चल रही है, टाटा कैसा कर रहा है, मारुति कैसा कर रहा है, आपने सुबह शैम्पू कौन सा लगाया, साबुन कौन सा लगाया, चाय पत्ती आप कौन सी पी रहे हैं, कॉफी आप कौन सी पी रहे हैं, खाना आप खा रहे हैं आशीर्वाद ये किसका है, आटा ITC, अगर आप सुट्टा पीते हैं तो कौन सा सुट्टा पी रहे हैं, किस कौन सी कंपनी ये सुट्टा बना रही है। इन चीजों पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको खुद ब खुद सुबह से लेकर शाम तक 15 कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आप इन्वेस्ट करके शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों शेयर मार्केट में कैसे। इसके दो अपने एक्सचेंज हैं इंडियन मार्केट के अंदर, एक्सचेंज मतलब जहां पे जिसके थ्रू आप खरीद फरोख्त करते हैं, मतलब जहां पे कंपनियों की लिस्टेड होती है। आपने स्टॉक देख लिया, आपको पता कैसे लगेगा स्टॉक कहां पर है, कहां पर लिस्टेड है, तो उसके लिए इंडियन मार्केट के अंदर दो इंडेक्स हैं। सबसे पहला इंडेक्स है NSE, जो कि आपका कहते हैं 1952, ठीक है, नंबर ऑफ लिस्टिंग कंपनी 1952 है, लोकेशन इसकी मुंबई महाराष्ट्र में है, और 1992 में इसको फर्स्ट क्या कहते हैं एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके अंदर कंपनीज लिस्टेड की गई थी, लगभग 1500 से 1600 के ऊपर कंपनीज हैं जो कि NSE में लिस्टेड है। और टॉप 50 कंपनी को, जो कि कंपनीज के रिजल्ट को देखते हुए इसको बार बार रेगुलेट करता रहता है ये, और इसमें उसके 50 कंपनी को चुनके जिसमें रिलायंस है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसमें इंफोसिस है, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसमें ITC है आपका, ऐसी टॉप 50 कंपनी मिला के बजाज फाइनेंस है, जिसमें HDFC बैंक है, जिसमें ICICI बैंक है, एक निफ्टी 50 करके इंडेक्स बना दिया जाता है कि ये भारत की टॉप 50 कंपनी है, ये निफ्टी का इंडेक्स है और मार्केट कैसे उस पे रिएक्ट करता है। अब इंडेक्स की बारी आई है तो मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा, ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स, मतलब 50 टॉप कंपनी। जैसे कोई कंपनी इसमें खराब करती है, जैसे येस बैंक भी निफ्टी 50 का कभी पार्ट हुआ करता था, इंडिया बुल हाउसिंग जैसे वो भी उसका कभी पार्ट हुआ करता था, बट इनके रिजल्ट खराब होने की वजह से, परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से इनको बदल दिया जाता है। तो फिलहाल जो लास्ट इसमें इंक्लूडमेंट मेरे ख्याल में नेस्ले इन्होंने मिलाया है, श्री सीमेंट को शायद इसका पार्ट बनाया है। तो ये निफ्टी 50 का दोस्तों रिटर्न आप देखेंगे तो 2003 में निफ्टी की जो वैल्यू थी वो जहां पे ट्रेड करता था वो था 1000, यहां पे प्राइस लिखा आता है, और 2021 में ये 16000 आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं 26th of August 16631 पे ट्रेड कर रहा है। तो जब जब इसमें गिरावट आए
आपको कुछ नहीं देखना है, निफ्टी 50 के स्टॉक निकालिए, सर्च करिए निफ्टी 50 कंपनी, उसमें से आप एक एक सेक्टर की कंपनी उठाइए, एक बैंक उठा लीजिए, एक क्या कहते हैं सीमेंट की कंपनी उठा लीजिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T की कंपनी दिखा लीजिए उठा लीजिए, और आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडेक्स आप देखेंगे पिछले 20 सालों में 1000 से 16000 पे आके अटका, मतलब पहुंच गया, अटका नहीं है सॉरी, पहुंच गया है। तो साल दर साल आज से 10 साल बाद ये आपको 30000 से भी ऊपर मिल सकता है, 25000 40000 कहां नहीं मिल सकता, कोई लिमिट नहीं है ऊपर जाने की। तो गिरावट जब हो उस समय इन्वेस्ट करना बहुत बेहतरीन रह सकता है, बट आप आज की डेट में 2021 में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक इंडेक्स है अपना दोस्तों BSE, जो कि 1875 में लिस्टेड हुआ था, इसमें टॉप 30 कंपनी रहती है, और जिसको आप सेंसेक्स के नाम से भी आप इसके इंडेक्स में देखते हैं, तो यहां पे भी आप जो कंपनी लिस्टेड है उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 30 कंपनी का इसमें से निकाल के इंडेक्स जो बनता है BSE में से, उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। निफ्टी 50 में और NSE में जो टॉप 50 कंपनी निकल के आती है उसको हम उस इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी 50। अब आ जाइए शुरुआत कैसे करें। ठीक है, आपको शुरू करने के लिए दोस्तों ब्रोकर की जरूरत होती है। आपने सुना होगा ब्रोकर, ब्रोकर क्या होते हैं? तो ब्रोकर होते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं NSE और BSE के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनकी खरीद और फरोख्त करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए, बेचना और सेल करना। तो मेरे जो फेवरेट हैं जिनको मैं थोड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ, एक है जीरोदा, जिसकी फिलहाल नंबर वन रैंकिंग है। यहाँ पे आप जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके मेन बैंक अकाउंट जो आप जिसमें आपके पैसे हैं उससे कोई भी बैंक अकाउंट से उसमें लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा कि अकाउंट कैसे ओपन करें। ठीक है, यहाँ साइन अप करना होता है, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपका खुल जाता है जो कि आपके किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और वहां पे आप अपनी रिसर्च करने के बाद जो स्टॉक आपने पेन डाउन करके लिख लिए हैं कि मुझे बाई करने हैं, आप उसमें बाई करके शुरुआत कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। 2021 में ही आप 5000 रुपए से शुरुआत करिए, 10000 रुपए से शुरुआत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जो स्टॉक आपको ठीक लगे आराम से शुरुआत करिए, एक स्टॉक बाय कीजिए, दो स्टॉक बाय कीजिए, तीन स्टॉक बाय कीजिए। 3000 का कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जो कि प्राइस पे शेयर कर रहा है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, आप लाल पैथ लैब का शेयर ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही हर महीने अगले महीने फिर 5000 रुपए लगाइए। दूसरा जो मेरा डीमैट अकाउंट जो ब्रोकर मुझे अच्छा लगता है वो है अपस्टॉक्स, ये भी काफी अच्छा कर रहा है। 40 लाख प्लस हैप्पी इन्वेस्टर इसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ये ब्रोकर भी अच्छा है। बाकी दोस्तों ये माने हुए ब्रोकर हैं, आप रिलायबल ब्रोकर हैं, काफी टाइम से हैं, और इनमें अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा नाम है, ऐसा कुछ अब तक सुनने में नहीं आया है कि ब्रोकर भाग गया या ब्रोकर लुट गया जाके। छोटे छोटे काफी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बट मैं इन दोनों पे ट्रस्ट करता हूँ, इन दोनों पे विश्वास करता हूँ, इन्हीं के थ्रू ट्रेड करता हूँ, इन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। और एक आप एंजल ब्रोकिंग भी देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा, आपको जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा लगे। प्लेटफॉर्म के मामले में जैसे ये है तो मुझे क्या कहते हैं अच्छा लगता है जीरोधा का, और यहाँ पे आप कोई भी कंपनी रिसर्च कर सकते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये था दोस्तों स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें उसके लिए एक वीडियो नए लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट में जो रिटर्न मिला है आपको FD में मिल जाएगा 6-7%, सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा 4%, और डेप्ट मिल जाएगा आपको कुछ और कुछ, बट स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड में जैसे 10-15% के बीच में या 18% के बीच में हर साल बना सकते हैं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके थोड़ी सी नॉलेज अपनी इंक्रीज करके, जैसे म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के स्टॉक को उठाते हैं। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, आप थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस अपना करते हैं, कंपनीज के बारे में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज अच्छी है, जैसे टाटा की TCS, तो रेदर देन बाइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट आप स्टॉक बाइंग करेंगे तो वही रिटर्न आपका, जहां आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, आप उस रिटर्न को वहां से और बढ़ा सकते हैं 20-25% तक,
लेके आ सकते। तो दैट्स इट दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी, जो नए लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं उसको मैंने एक वीडियो बना के बताने की कोशिश करी है। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अकाउंट कैसे ओपन करें, वहां पे अकाउंट में कैसे फिर उसको जीरोधा का बताना शुरुआत करूंगा, देन अपस्टॉक्स का भी दो वीडियो बनाऊंगा, कैसे उसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं किसी एक स्टॉक। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।